नमस्कार दोस्तों, रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर का। बसपा सुप्रीमो मायावती का शक हुआ साबित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी को संदेह था किसान आंदोलन को लेकर, वो दिल्ली में आज दिखने लगा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल एक ट्वीट करके जानकारी दी थी। बीएसपी केंद्र सरकार से पुनः अनुरोध करती है कि इन आंदोलित किसानों की मांगों को, खासकर तीनों कृषि कानूनों को जरूर वापस ले लेना चाहिए, ताकि कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसी भी नई परंपरा की शुरुआत न हो तथा न ही दिल्ली पुलिस से संदेह के मुताबिक कोई गलत अनहोनी न हो सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल ही अपने ट्विटर अकाउंट से कह दिया कि कोई अनहोनी हो सकती है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जो शक था वो सच बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली में जो आज हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस प्रकार से लाल किले पर जिस तरह उपद्रवियों ने जो काम किया वो बहुत ही गलत सा हुआ है। अब आपको बता दें, पुलिस ने किसानों को लाठी चार्ज, तमाम तरह की उनके पास आंसू गैस के गोले दागे, तमाम तरह को परेशान किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जो शक था वो संदेह था मायावती जी का कि किसान आंदोलन में कोई अनहोनी हो सकती है। तो कई किसानों की बताया जा रहा है अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि कई किसानों की मौत हो चुकी है, साथ ही कई पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो जो मायावती जी का जो शक था, जो संदेह था कि किसान आंदोलन पर कुछ भी हो सकता है, तो वो शक और संदेह बसपा अध्यक्ष मायावती जी का आज साबित हो गया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा था कि कोई अनहोनी दिल्ली में हो सकती है, साथ ही यह नई परंपरा आ सकती है कि जो दिल्ली में 26 जनवरी को किसी तरह की परेड ना कराई जाए। केंद्र सरकार से बसपा अध्यक्ष मायावती ने कल ही ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कह दिया था कि केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को खासकर वापस ले ले, तभी कुछ होगा। जी हाँ दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का शक एकदम सही साबित हुआ दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर। आप क्या सोचते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बहुजन मीडिया मजबूत हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत